दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिलबट्टे पे टमाटर की चटनी कैसे बनाते हैं, जो कि बहुत बहुत आसान होती है। सिलबट्टे पे हो चाहे कुंडी छोटे में हो, गांव देहात वगैरह में जो है चटनी जो है अक्सर जो है खाई जाती है और जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी भी होती है। दोस्तों कई बार तो दोस्तों जो चटनी में मज़ा आ जाता है वो सब्ज़ी में भी नहीं आता है, यकीन सच बताऊँ तो आपको। क्योंकि दोस्तों आलू की चटनी हुई, टमाटर चटनी हुई, ठीक है, ये जो चटनियाँ जो है गाँव देहात वगैरह में जो है बहुत चाव से जो है खाई जाती है, ठीक है, खाने के साथ। तो आज हम आपको स्टेप बाई स्टेप जो है बताने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने जो है चार टमाटर लिए हैं, उसको रोस्ट कर लिया है, ठीक है। और अब सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने स्वाद के अनुसार हमने जो है 2 हरी मिर्च और 3 लहसुन की कली ले ली है और साथ ही जो है दोस्तों हमने नमक ले लिया है अपने स्वाद के अनुसार। अब हम इसकी जो है रगड़ाई करेंगे, कुटाई करेंगे सिलबट्टे पर। दोस्तों देखिए इस तरीके से, ठीक है, अगर आपके घर पे सिलबट्टा नहीं है या अगर कुंडी छोटा है तो आप उसमें बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सिलबट्टे और जो आप कुंडी छोटा होता है उसमें जो नेचुरली जो मज़ा आता है चटनी अगर आप बनाते हो तो बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनती है। क्योंकि जो मज़ा आपका सिलबट्टे या उस पर कुंडी छोटे वाली चटनी में आता है वो मज़ा कभी भी जो है मिक्सी में अगर आप बनाते हो दोस्तों वो मज़ा आता ही नहीं है, ठीक है। एक नेचुरल जो फील आती है अगर आप कुंडी छोटे पे या फिर सिलबट्टे पे अगर बनाते हो तो, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों जो है हरी मिर्च को जो है रगड़ाई कुटाई कर ली है, तो हमारी हरी मिर्च तैयार हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम जो हमने टमाटर को जो है रोस्ट किया था उसका जो है छिलका उतारेंगे और छिलका उतार के दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे जो है स्लाइस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ, ठीक है, चाकू की मदद से दोस्तों हम इसके छोटे छोटे जो है स्लाइस कर लेंगे ताकि इसकी रगड़ाई जो है ईजिली हो जाए, ठीक है। तो पहले इसका दोस्तों हम जो है छिलका उतार लेते हैं। तो ये जो हमने रोस्ट किया था दोस्तों गैस पे, तो इसका जो छिलका ईजिली उतर जाता है अगर आप इसको इस तरीके से भून लेते हो, हल्का सा गर्म करते हो। तो ये हमने जो है चारों टमाटर का दोस्तों जो छिलका उतार लिया है। अब हम दोस्तों क्या है, इसको हल्के हल्के छोटे छोटे पीसीज में जो है इसको हमने कट कर लिया है। तो अब हम इसकी कुटाई करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने जो है मिर्च की कुटाई करी की थी और लहसुन की थी। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी इजीली जो है स्टेप बाई स्टेप इस तरीके से जो है आप इसकी रगड़ाई करेंगे। देखिए दोस्तों आपने भी जो है इस तरीके से जो है टमाटर की कुटाई कर लेनी है और दोस्तों आपकी जो है चटनी बनके रेडी है। तो आप भी जो है घर पे दोस्तों जो है इजीली जो है टमाटर चटनी सिलबट्टे पे जो है बना सकते हैं। तो यकीन दोस्तों क्या बहुत मज़ा आने वाला है अगर आपने आज तक नहीं चटनी खाई है, ठीक है, टमाटर की, आलू की या और भी बहुत सारी चटनी होती है। तो खाने के साथ जो है चटनी अगर आप लोगे तो खाने का जो मज़ा है दोस्तों वो कई गुना बढ़ ही जाता है, यकीन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सिलबट्टे पे जो है टमाटर की चटनी बनाते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।